सभागार में हम लोग बैठकर उद्घाटन करने वाले हैं। भारत रत्न नाना जी देशमुख जी को याद करके यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। भारत रत्न नाना जी देशमुख जी कहते थे, राष्ट्र नवरचना के कार्यों का शुभारंभ ग्रामीण अंचल से ही होना चाहिए। जीवन का मूल एवं प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत और विकास का क्रम भी यही है। द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशन मस्ट बिगिन फ्रॉम रूरल एरियाज बिकॉज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड द सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस दिस इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। आज इस कार्यक्रम में हम अतिथियों को बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जी महाराज जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन ने सीकर राजस्थान से। हम उपस्थित सभी बंधु भगिनियों से निवेदन करते हैं, जोरदार तालियों से हम लोग के अतिथियों का आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है डॉक्टर पवन चामलिंग जी, MLA है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है सिक्किम के। सिक्किम को उन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट बनाया, ऐसे व्यक्तित्व आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तालियों से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रिंशे लाम्हो जी को। श्री वेद प्रकाश महावर जी कृपया मंच पर आए, डॉक्टर JP मिश्रा जी मंच पर आए, डॉक्टर भरत पाठक जी मंच पर आए, कर्नल देवेंद्र सहरावत जी कृपया मंच पर पधारे, श्री अशोक सैनी जी कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि है डॉक्टर पवन चामलिंग जी, अध्यक्षता कर रहे हैं परम पूजनीय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जी महाराज जी। हम डॉक्टर दीप्ति डॉक्टर सीरज जी से निवेदन करते हैं मंच पर आकर मंचस्थ अतिथियों का भारतीय परंपराओं के अनुरूप तिलक लगाकर स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर दीप्ति जी डॉक्टर सीरज जी माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षता कर रहे परम पूजनीय स्वामी जी का तिलक चंदन के साथ स्वागत करती हमारी बहनें डॉक्टर दीप्ति डॉक्टर सीरज जी। मुख्य अतिथि का स्वागत एवं विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर्स का स्वागत करती हुई डॉक्टर दीप्ति डॉक्टर सीरज जी तिलक चंदन लगाकर। मंचस्थ सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं इस उद्घाटन सत्र का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। मंचासीन परम आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जी, माननीय मुख्य अतिथि जी डॉक्टर पवन जी रिंशे जी, वेद प्रकाश महावर जी, डॉक्टर JP मिश्रा जी, डॉक्टर पाठक जी, कर्नल देवेंद्र सहरावत जी, श्री अशोक सैनी जी से मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन सत्र का प्रारंभ करने की कृपा करें। दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे सभी सम्मानीय अतिथि बंधु भगिनिया, आप सब लोग अपने स्थान पर करतल ध्वनियों से यह ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का तालियों के द्वारा उद्घाटन करेंगे। हम सब मिलकर जब काम करते हैं तभी काम का कुछ अच्छा अनुभव आता है, इसीलिए आप देख सकते हैं अभी दीप प्रज्वलित करके ऑर्गेनिक एक्सपो का उद्घाटन करते हुए हमारे सभी सम्मानीय अतिथि बंधु भगिनियों का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। निवेदन करते हैं श्री अभिमन्यु सिंह जी डायरेक्टर ऑफ इकोनेक्स, उनसे निवेदन करती हूँ आज के
अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे परम पूजनीय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जी महाराज जी का स्वागत करने की कृपा करें। श्री अभिमन्यु सिंह जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए श्री अभिमन्यु सिंह जी, डॉक्टर पवन चामलिंग जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिक्किम, श्री हरिमोहन जी महाराज जी का स्वागत करते हुए अभिमन्यु जी, श्री वेद प्रकाश महावर जी के स्वागत के लिए राजीव बंसल जी से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया मंच पर आकर श्री वेद प्रकाश महावर जी का स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर जेपी मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अमित चौधरी जी को, कृपया मंच पर आकर स्वागत करें डॉक्टर जेपी मिश्रा जी का। कल्लल देवेंद्र शहरावत जी का स्वागत मैं निवेदन करती हूँ मनोज मिश्रा जी से, कृपया मनोज जी स्वागत करें कल्लल देवेंद्र शहरावत जी का। श्री अशोक सैनी जी, मनोज मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कृपया रिंशे जी का स्वागत करने की कृपा करें। किसानों की आत्मनिर्भरता लोकतंत्र की आधारशिला है, किसानों की आत्मनिर्भरता लोकतंत्र की आधारशिला है, उसे कायम रखते हुए कृषि पद्धति के खोज तथा सुधार करना उपयुक्त है। इसी के लिए यहाँ पर ऑर्गेनिक एक्सपो लगाया गया है और यहाँ प्रदर्शनी में भी पूरी देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर अपनी उपज को, अपनी उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए गए हैं। उस प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर हम स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय जेपी मिश्रा जी को, कृपया मंच पर आकर स्वागत भाषण देने की कृपा करें जेपी मिश्रा जी। मित्रों, हमें ये पता है कि आज की भारतीय कृषि का परिवेश और उसका आकार, उसकी विधाएं बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जब हमने स्वतंत्रता के बाद ये यात्रा शुरू की थी तो उस समय हमारा कृषि का जो प्रोडक्शन होता था, कृषि का जो योगदान होता था वो बहुत छोटा था। आपको जानकर खुशी होगी कि जो जर्नी हमने 1950-51 में शुरू की थी वो आज करीब करीब 16 से 17 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान तो चलता ही रहेगा, जो सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान आने वाले दिनों में हमको लगता है कि होना चाहिए वो पब्लिक और प्राइवेट इंटरफेस होना चाहिए, किसानों के साथ इंडस्ट्री को जुड़ना है और तभी इस तरह की नई विधाओं का, नए एग्रीकल्चर के प्रामाणिक उपायों का आगे प्रचार प्रसार होगा और ये और भी फलीभूत होंगी। मान्यवर नाना जी कहते थे, आजीविका की क्षमता विकसित करना मात्र शिक्षण का हेतु नहीं हो सकता, शिक्षार्थियों को मानवीय गुणों से संपन्न करना ही शिक्षा पद्धति है। मान्यवर नाना जी के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा आगे करने के लिए आदरणीय जेपी मिश्रा जी, महावर जी साहब एवं अभिमन्यु सिंह जी जैसे लोग उनको मिल जाते हैं, कहते हैं जो काम समाज के उपयोगी होगा वो करो। फिर मनोज जी अपनी टीम के साथ बड़ों के आशीर्वाद के साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे राष्ट्र ऋषि नाना जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ मनोज जी से, भारत रत्न नाना जी देशमुख जी के बारे में जो छोटा सा फिल्म यहाँ पर दिखाने का प्रयास करें मनोज मिश्रा जी। And face to face today,
we tried to meet a very benign persona 4 years after his body was donated to the All India Institute of Medical Sciences. And that was Nanaji Deshmukh, as he was known. Let's try and meet this hero to many people who had no hope to do anything with their lives. They lived in areas where nobody ever went. Nanaji Deshmukh went into their lives and changed it forever, leaving a mark and showing us the way of what influential people could do with their lives despite leaving everything behind. This is Kandoli in Hingoli town of Parbani district in Maharashtra. And this is the house where a Karma Yogi was born nearly a century ago on 11th October 1916. He is known as a pillar of the Rashtriya Swayamsevak Sangh or the RSS and its political wing, the Bharatiya Jan Sangh. He is the father of coalition politics in India, an architect of Janata Party and a foremost social reformer of 20th century. He is the late Chandika Das Amritrao Deshmukh, lovingly known to the world as Nanaji Deshmukh. सबसे प्रमुख उनकी समर्पण वृत्ति, पूर्णतः निस्वार्थ भाव से राष्ट्रहित में क्या है, यह सोच करके अपने सहयोगियों को और वरिष्ठों को भी सलाह दे सकने की जो क्षमता थी उनमें, बहुत कम लोगों में होती है। Inspired by the nationalistic ideology of Dr. Hegdewar, Nanaji joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh or the RSS in 1940 as a full-timer with a vow of celibacy and lifelong dedication in the service of society and the nation. He led by example and his persona attracted people from many walks of life into the main political scenario. Nanaji ke baare ek cheez mujhe bahut pasand thi shuru se. वो किसी को, किसी व्यक्ति उनके खिलाफ होते थे तो उनको समझाते थे और उनके दोस्त बना देते। उसी समय मैंने देखा कि जनसंघ के बारे एक बड़ी नफरत पैदा करने के लिए इंदिरा गांधी ने कोशिश की, परंतु जो आम सभा में आम समाज में लोग हैं, बड़े वहाँ से लेकर बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सरकार के बुरे नज़र में नहीं आने चाहते थे, उनको भी वो किसी तरीके से दोस्ती बना लेते थे, उनको मिलते थे, उनके साथ रहते थे। In 1948, soon after Mahatma Gandhi was assassinated, it led to imposition of a ban on the RSS and all its activities, including its publications. Nanaji was the brain behind the underground activities in those difficult times. In 1950, when the ban was lifted, it was decided to have a political organization and the Bharatiya Jan Sangh came into being. Jan Sangh ki sthapna ke samay Deen Dayal ji ke saath nirantar rehne walon mein Nanaji Deshmukh the. Bharatiya Jan Sangh ko prarambhik dinon mein आकार देने में जिन महापुरुषों का योगदान है, नाना जी का योगदान उसमें चिरस्मरणीय है। वे दीनदयाल जी के साथ तब के प्रकाशनों के प्रमुख रहे। दीनदयाल जी संपूर्ण देश में घूमते थे। उत्तर प्रदेश की बागडोर स्वयं नाना देशमुख संभालते थे और 1967 में नाना जी उस महानिर्वाचन के प्रभारी थे जिसमें जनसंघ कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दूसरा दल बनकर उभरा। नाना जी से मेरा संपर्क बहुत पुराना है।
मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था तब नाना जी से मेरा संपर्क हुआ। उस समय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। कालांतर में वो भारतीय जनसंघ में आए और पंडित दीनदयाल जी के सहयोगी बने। और जब तक पंडित दीनदयाल जी राजनीति में जीवित थे, नाना जी ने एक क्षण को भी उनका साथ नहीं छोड़ा। नाना जी एस्टैब्लिश्ड द दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट और DRI इन 1969 विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। The main objective of DRI was to promote research and development based on the integral humanism concept of Deendayal ji and in the process evolve actionable models. Hindustan gaon mein basta hai aur sare kaam gaon se shuru hone chahiye, sab ek dusre se sneh ke saath प्यार के साथ पेश आए और सब प्रकार की खुशहाली हो, इसलिए दीनदयाल शोध संस्थान काम कर रहा है। दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान में दो तरह की एक्टिविटीज ज्यादातर होती हैं। एक तो पब्लिकेशंस, एक पीरियडिकल आता है। हम लोग जो देश भर में काम कर रहे हैं दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से, उनकी जो एक्टिविटीज वो बाकी लोगों तक, बाकी स्वयंसेवी संस्थाओं एनजीओस के पास पहुँचे, ताकि वो लोग भी उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में वैसे काम कर सकें। एक तो वो प्रयास रहता है। दूसरा जो टॉपिकल इश्यूज हैं, खासतौर से डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, उनके बारे में चर्चा करना। श्रद्धेय नाना जी का ग्रामीण विकास के बारे में एक सोच था। उनका मानना था कि जो गरीब है उनका विकास और ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है उसके उपरांत ही देश का एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बन सकता है। उसके लिए उनकी सोच ये थी कि हमें सभी का सहयोग लेके काम करना होगा, हर एक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो उसमें न केवल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्वयंसेवी संगठन अपना काम करेंगे, बल्कि साथ में जो सरकारी संस्थाएँ हैं और अन्य संस्थाएँ हैं और बैंक हुए, बैंकिंग सेक्टर और प्राइवेट पार्टिसिपेशन और जनता का खुद का अपना इनिशिएटिव, वो सब मिलके जब काम करेंगे उसके बाद ही एक हम सफल नमूना बना पाएंगे। नाना जी कैन बी सेफली कॉल्ड द फादर ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया बिकॉज ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल एंड द भारतीय जनसंघ टुगेदर टू फॉर्म द फर्स्ट non-Congress coalition government in UP in 1967. उस आपातकाल में भूमिगत रहकर नाना जी देश के राजनीतिक दलों को संगठित करते रहे। वे बाबू जयप्रकाश नारायण द्वारा निर्मित लोक संघर्ष समिति के महामंत्री थे, लेकिन जब वे पकड़े गए, जेल में रहे, तो जेल में उनके रहने के कारण जो नेता जेल में थे उन सब को ध्यान में आया कि यदि हमको बाहर निकलना है तो हमको लोकतांत्रिक रूप से संगठित होना होगा। और उसी का परिणाम था कि जनता पार्टी अस्तित्व में आई। Even those who met Nanaji during his jail term were influenced by his thoughts and views towards the development of this nation. Nana ji ki yaad aate hi aapatkal ke khilaf sangharsh ki yaad aati hai. Kis tarah Nana ji pakde gaye aur main us samay Tihar jail ke 17 number ward mein tha jab Nana ji wahan laaye gaye aur uske baad hum logon ki mitrata ho gayi ki hum log ek ward mein rehte the. Ab mujhe aaj tak nahi bhoolta कि नाना जी ने मेरे से जो पुस्तक ली होची मिन पर थी, उस पुस्तक में जहाँ जहाँ पैट्रियटिज्म नेशनलिज्म की चर्चा थी वो सब नाना जी ने रेखांकित किया। हम लोग साथ में खेलते थे, एक्सरसाइजेस करते थे। In 1977, after the emergency was lifted and general elections were called, Janata Party swept the polls and came to power.
Morarji Desai, who was elected Prime Minister, chose Nanaji to head the important Ministry of Industry and Rural Development. But Nanaji was never in search of power and influence. He was focusing his energies towards the social service. जनता पार्टी की जो नई सरकार आई, उस सरकार में फिर सत्ता की लोलुपता की होड़ सामने आई. कौन प्रधानमंत्री बने? जगजीवन राम जी, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, इन बड़े बड़े नामों के छोटे कारनामों को उन्होंने देखा. परिणामतः उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वे राजनीति का काम नहीं करेंगे, रचनात्मक काम करेंगे. और उन्होंने आह्वान किया कि 60 साल के ऊपर के सभी नेता राजनीति को छोड़ दें और रचनात्मक काम करें. उन्होंने राजनीति छोड़ दी और दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से रचनात्मक काम शुरू कर दिए. उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अनुभव लेने के पश्चात ये निर्णय किया कि राजनीति से सामाजिक परिवर्तन और समाज की व्यवस्था का परिवर्तन बहुत कठिन काम है, लेकिन यदि हम दरिद्र नारायण की सेवा को अपना माध्यम बनाएं और ये समझकर काम करें कि मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हूँ, सबके लिए हूँ, और जो कुछ करना है वो सारे समाज और विशेषकर जो उसमें से पीड़ित और दुखी हैं उनके लिए करना है, ये उन्होंने अपने जीवन के लिए एक आदर्श रखा. ये तो एक हम मॉडल बना रहे हैं कि पूरा समाज कैसा होना चाहिए. इसलिए हमने 500 गांव इसके लिए सिलेक्ट किए हैं, एक दो गांव में नहीं कर रहे हैं, जिनमें मानव की सब जातियाँ आती हैं, मानव के मजहब आती, सब प्रकार का मानव आता है. तो ये मिलकर के एक किस प्रकार मानव का जीवन बराबर विकसित हो सकता है, सुखी हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, उपकारक हो सकता है, इसका एक मॉडल तैयार करने की जरूरत है. Nanaji did a lot of social work in Gonda, Uttar Pradesh and Bid in Maharashtra. The motto of his project was Har Haath Ko Denge Kaam, हर खेत को देंगे पानी. लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और उनकी पत्नी प्रभावती जी, उनके नाम पर जय प्रभा ग्राम ऐसा नाम दिया और वहाँ पर काम प्रारंभ किया. वहाँ पर सिंचाई की बहुत कठिनाई थी. गांव में जब नाना जी जाते थे, गांव के लोगों से मिलते थे, तो लोग ये कहते थे कि नाना जी हमको और कोई मदद नहीं चाहिए, हमारे सिंचाई के लिए पानी मिल जाए. फिर नाना जी ने सारा रिसर्च और सारा देख करके अंडरग्राउंड वाटर लेवल वहाँ पर बहुत ऊपर उपलब्ध था, तो बांस और नारियल और जूट की रस्सी, इससे उन्होंने बोरवेल बना करके 78 में, फिर केंद्र से स्कीम स्वीकृत करा करके नाना जी लेकर के आए और 25,000 से ज़्यादा बोरवेल्स बनाए. हम लोग अभी भी वहाँ लगातार जाते हैं तो कुछ बोरवेल्स उस समय के जो बांस और नारियल जूट की रस्सी से बने थे अभी भी चल रहे हैं. नानाजी फाइनली चोज द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्रकूट ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड यूपी एज हिज कर्मभूमि एंड ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स मायर्ड इन ऑब्जेक्ट पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट. इंसिडेंटली दीज आर द सेम पास्चर्स वेयर लॉर्ड रामा वॉक्ड विद हिज वाइफ सीता and brother Lakshman during his exile. Therefore, Chitrakoot is one of the very important places of pilgrimage for Hindus. Nanaji, बहुत बहुत धन्यवाद. हम सब लोगों ने भारत रत्न नानाजी देशमुख जी का जीवन परिचय का थोड़ा सा भी हम लोगों ने देखा.